नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह चल पड़े हम, बारिश बंद है। जो गन्नों की ट्रॉली भरी खड़ी है उसे लेके चलते हैं। ट्रैक्टर चल पड़े हैं यहाँ भी, और मैंने टाइट कर लिया है क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो ये चीज़ भी होनी मुंह पे, चेहरे पे ऐसा ज़रूरी है। तो चले चलते हैं। दोस्तों आज ठंड है तो टी शर्ट के ऊपर ही ये पैर लिए शर्ट। फटाफट अपनी पानी की बोतल चाबी वगैरह उठा लेते हैं, चलते हैं। दोस्तों देखा, पशु भी ठंड मान रहे हैं। रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा। अब भी आने वाला है बारिश, ये देखें। और जो 17-18 पुली रह गई थी छोल में, तो उन्हें मिलकर अगली ट्रॉली भी जो है वो हो जाएगी बढ़िया। तो दोस्तों इसे लिए चलते हैं, देखते हैं। बबलू भाई बता रहे थे कि 35 कुंटल गन्ने हैं, मुझे लग रहे हैं 32 कुंटल गन्ने हैं, 32-33। चलो जितने भी होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग एक ट्रॉली और इसी के लगभग हो जाएगी। आराम आराम से चलते हैं, आज बीच की कढ़ेर खोल रखी है तो ट्रॉली आराम आराम से लिए चलते हैं। वो बैरिंग नहीं डलाया अभी, लेकिन आराम से चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पन्नी ले ली है, कभी मोबाइल बिक जाए। दोस्तों मेरे पीछे आई सर आ रहा है, दाएं दाएं चढ़ा, पीछा नहीं छोड़ा इनने। और कम उम्र का ही लड़का, और सामने देखो एक एंटीक ट्रैक्टर खड़ा, बहुत शानदार पावरीन वाला मॉडल, बहुत बहुत शानदार। टायर टप्पे बिल्कुल नए, ये देखें। बंद हो जा सिम सिम। तो दोस्तों ये इस पर पेट्रोल का इंजन तो मिलना मुश्किल है, ये लाइट भी इस पर ओरिजिनली लग रही है ऊपर, और ये डीजल वाला होगा जो मेसी के इंजन बाद में लग गए थे। बहुत बहुत शानदार दोस्तों, मन मतलब इतना खुश हो गया जैसा बारिश ने पीटा था कल दबा के, तो मन पूरा खुश हो गया ट्रैक्टर को देख के। दोस्तों आई सर ने पीछे नहीं छोड़ा, कौन सा मॉडल है ये? तो वो है जेड पट्टी वाला है, बढ़िया भाई, ये तो शेर ट्रैक्टर है, इसकी तो क्या ही बात करें। तो भाई का परिचय हो जाए थोड़ा सा, नाम परिचय। नाम विशाल पाल है जी। अच्छा अच्छा, तो यो जब से थारे पे ही है जी। अच्छा कौन सा मॉडल होगा यो? यो है जी 1993 मॉडल। भाई मेरी जान, जैसे पेंट हड़का पड़ रहा, कंडीशन बहुत साफ है भाई। अदा लाया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही दोस्तों। इतनी साफ कंडीशन का ट्रैक्टर अगर किसी के पास है, और देखो शौक की एक बहुत बड़ी बात है, टायर भी BKT के पड़े, तो ये तेरी पसंद के पड़े? हाँ वो तो मैं तेरे चलाने के स्टाइल से देख गया ना, मैंने छक्के जोर करे पर तू हटा ही नहीं पीछे से। और वो तो तुझे खैर पता ही होगा कि एक सिलेंडर में अब तक ये सबका बाप है, चार सिलेंडर को भी खींच आए हो, और अगर इसका वजन दूसरे के बराबर कर दे तो 4x4 को भी मार देगा। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों बहुत दिन के बाद मैंने इतनी साफ कंडीशन, तो जैसे मैं आपको बताता भी हूँ कि अगर जेड पट्टी वाला आई सर मिलता है तो अब कहीं या तो 325 मारुति मॉडल एस्कॉर्ट का या इसका नंबर लगाएंगे अब के। ये देखें, भाई को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शानदार बेदाग ट्रैक्टर, बिल्कुल जिसे कहते हैं बेदाग। देखो देखो असेंबली कितनी बढ़िया बना रखी है, और ये देखें, ये राम राम भाई, कितना माल रह गया। चलो जी कर लो काम, निमटाओ। दोस्तों पावर इन चला गया है, तो इसकी तो लेने की बेचने की तो कहानी खत्म है। हाँ जी, और दूसरे ट्रैक्टर कौन कौन से ले रहे? 575 है जी, 2 575 है हमारे। अच्छा एक मैसी था, वो भी है। अच्छा मतलब मैसी नहीं पसंद आया? मैसी नहीं पसंद, आई सर वालों को कम पसंद आया है मैसी, क्योंकि चक्कर ही है ना, ये पहले से बहुत ऊंचा ट्रैक्टर है और वे छोटे ट्रैक्टर है। हाँ गन्नों के मतलब एक चक्कर ही है, तेल का खर्चा सबसे कम है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, देखो सारी चीज बहुत टॉप लग रही है ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर में दाग नहीं है बिल्कुल भी कहीं, और बस वो हमारे वाले काम हो रहा है कि ट्रैक्टर धो नहीं रहा। हाँ नहीं, ज्यादा धोने से फायदा भी नहीं है। और दोस्तों देखो 1993 मॉडल की चिट भी देखो आज तक जू की तू लगी हुई है, बहुत बहुत शानदार। तो भाई हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है नी।
आगे भी अरे काम और करियो, इस पे पेंट ना करवाइयो। हाँ इसे ओरिजिनल रखियो ऐसे ही, बहुत बढ़िया दोस्तों। बीकेटी के टायरों के साथ में 1993 मॉडल ओरिजिनल ट्रैक्टर, बहुत बहुत शानदार, अनमोल चीज बिल्कुल। इसकी तो कोई कीमत का भी अंदाजा नहीं लगा सकता, बहुत शानदार। ये देखें हिच वगैरह सारी चीज बहुत बढ़िया, पुली भी ओरिजिनली लग रही है, पट्टे पे बहुत बढ़िया। अच्छा पट्टे भी चला दो, बहुत बढ़िया। तो भाई पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं 10th में आया जी। 10th में, बहुत बढ़िया। और कब से डाल दे गन्ने? मैं गन्ने डाल रहा जी 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल से इसी से ही? हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उस पावरिन को भी दिखाते हैं, पावरिन छपर गया है आगे। तो दोस्तों इसकी एक बार शानदार आवाज और सुनवा देते हैं भाई, आवाज सुनवाओ भाई। वाह नाम को दुआनी। तो सर्विस कहाँ करवाया करो? मुजफ्फरनगर ही भाई। वाह कमाल है, नाम को दुआनी भाई, ये 100% इंजन है। वाह क्या शानदार आवाज है, वाकई में बहुत शानदार आवाज है। और स्टार्टिंग में भी 1993 मॉडल अगर धुआं नहीं दे रहा, और आगे से भी गदक रहा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई, मैनू कह रहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो दोस्तों मिलते हैं, ट्रैक्टर बढ़ाते हैं आगे, भाई का ट्रैक्टर चल दिया है दोस्तों। टोकन आ गया है, बाजार गुलजार है और ड्यूज फायर चलते हुए फरार है। और जो हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का सबसे टॉप झोटा चल रहा है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ पूजू भाई डालमपुर वालों को। इस टाइम ये नंबर 1 पे चल रहा है हमारे यहाँ। और देखो ये पतला कर दिया, राम राम भाई, पतला कर दिया इन्होंने बहुत, सबसे बढ़िया लंबी मंजिल का, बहुत बढ़िया। ये विकास चौधरी का जा रहा है फोर्ड 3600, बहुत बढ़िया। और ये देखें गन्नों ढोणों की टॉप, अरे वह गांडा बहुत बढ़िया ले रहा है लमना। और दोस्तों रात बारिश में आप पानी जलमग्न हो गया क्षेत्र, दोस्तों बारिश ने धूल दाब दी है बढ़िया। और अब भी राम जी चढ़ा फिर रहा है, आएगा जरूर, चांस है पूरे पूरे। और दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते शेर मेरी बराबर में ही आ गया है। चल चल चल, दोस्तों ये देखें टॉप में जा रहा चीता भाई। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी लड़के में मिलना और अपने काम के प्रति इतना जुनून, दोस्तों मैं हर बच्चे में यही देखना चाहता हूँ, चाहे उसकी परचून की दुकान ही क्यों ना हो, चाहे उसकी नौकरी हो, इतना ही जुनून होना चाहिए अपने काम के प्रति। भाई आज दिन वसूल हो गया, आज का दिन वसूल हो गया कि मज़ा ठा दिया लौंडे ने। और दोस्तों इस ट्रैक्टर के सम्मान के लिए मन्ने से मंदा करके ट्रैक्टर आगे निकल जान दिया, मगर तू आगे ही काड़ी से एक बार शॉट लेंगे इसका। तो दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब ये मन का वहम है। तो दोस्तों मोहर लग गई है, भाई चलेगा आगे, आई सर को लेके ट्रैक्टर आ रहे हैं। अब किसान डेली निमट रहे हैं, जिनसे भी पूछते हैं वो यही बोलते हैं कि हम तो निमट गए। दोस्तों एक और कमाऊ पूत घोड़ा घोड़ा ट्रैक्टर, ये देखें जैसे साइड की लाइट नहीं है इसमें, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। एस्कॉर्ट 335, बहुत कम खर्चे का ट्रैक्टर दोस्तों। इस आई सर का तो कमाल ही है, जेड पट्टी वाले का बहुत बहुत बेहतरीन, मील धाएं धाएं चल रहा है। जैसे बारिश हुई है उस हिसाब से गन्ना कम नहीं आ रहा है, गन्ना बहुत आ रहा है। दोस्तों इन बुग्गियों के पीछे एक साहिवाल का शेर आ रहा, अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादातर राजस्थान के बैल के पीछे रहते हैं नागौर के। लेकिन कटड़ों में अगर कटड़ा देखें तो यो बहुत टॉप जा रहा है खड़ी चौकी का। और ये देखें हमारे मील में बहुत बहुत चलना, मतलब इतना चलने का हुनर इस, ये तो बिजार ही लग रहा मुझे, ये बिजार की वजह से ही ज़्यादा पक्का। हाँ क्योंकि बधिया हो जाता तो कमजोरी आती बिल्कुल। नहीं नहीं गजब है जी, कौन से गांव का आए हो? अच्छा अच्छा दोस्तों चलते हैं। दोस्तों 63-45 हुए हैं, संदीप भाई का सोनाली का बढ़िया काम कर रहा है।
भाई के पास में 5 ट्रॉली गन्ने रह गए हैं। दस पर्ची आ गई और वहां उन्होंने ट्रोला लगा दिया है छोटी चैन पे। अब चले चलते हैं आगे। राम राम जी। दोस्तों बहुत शानदार, ये 2 सिलेंडर इस पे जीटर वाला इंजन लग रहा है पावर इन पे, और हमें बड़ी चैन पे चलना होगा क्योंकि वहां उन्होंने ट्रोला लगा दिया। क्योंकि जब ट्रोली कम आती है तो फिर ये देख के सेंटर पे से बिल्कुल साबुत गन्ना आ रहा है, बिल्कुल साबुत। तो सब मेरा नंबर 4th है, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। दोस्तों बड़ी चैन चल रही है अकेली, उस पर उन्होंने ट्रोला लगा दिया है वहां। और संदीप भाई का सोनाली का वहां ट्रकों की वजह से आगे लाना पड़ा है बराबर में। दोस्तों ध्यान करा नहीं, पहले खोल ली नहीं, यहां खांचा हो रहा सारे में, उतरते हैं। और दोस्तों हमारे गन्ने में और संदीप भाई के गन्ने में फर्क देखो, ये तो है सिंपल पानी का गन्ना हरा और काला, और ये देखो 38, ये नाले का पानी चलता है इसमें, मील का जो नाला है, भयंकर गन्ना है। करीब 4-5 दिन से ट्रोली भरी खड़ी थी, बहुत ही मोटा मोटा लंबा भयंकर गन्ना। पीछे फार्म ट्रैक 42 है। चेन खोल के ऊपर डाल दी है और चले चलते हैं। अब भाई स्टार्ट करेगा आई कर। ओ हो, कर दे भाई स्टार्ट। ये देखें अब जो है पंजा यहां से गन्ने उठाएगा, आई सर निकल गया है। दोस्तों ये देखे सफाई होगी, तो दोस्तों कह देते हैं ना कि जैसे फैक्ट्री वाले ने नूनी करा, फैक्ट्री वाले ने हमारे पैसे नहीं बढ़ाए। आप कमाल की बात देखो कि अगर आप 1 किलो भी लोहा खरीदने चलोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन यहां देखो यहां हजारों कुंटल तो ऐसे ही है अंगों का अग्ग, तो फैक्ट्री ऐसे नहीं चलती मजाक में, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत मेहनत। ये देखें कितनी लेबर, कितना सामान, कितने मोटर, कितने इंजन, कितने जनरेटर, कितने कर्मचारी, क्या क्या जुगाड़ भर रखे। ये देखो पंजा भी लगा रखा है इमरजेंसी के लिए, कुछ गड़बड़ हो जाए। दोस्तों सेकंड लास्ट ट्रॉली भी मील में चली गई है और गन्ने ने लास्ट में पूरा मजा दिया। लेकिन दोस्तों वही ध्यान करने की बात है कि गेहूं के गन्ने में कई बार कीड़ा आता है, तो इसका ध्यान रखें और ज़्यादा बंधाई की कोशिश ना करवाएं, क्योंकि हमारे जैसे दूसरी तीसरी बंधाई हुई तो उससे गन्ना बिगड़ा। वैसे लंबाई तो काफ़ी ली गन्ने ने बंधने के बाद में, लेकिन मोटाई पर फर्क पड़ गया और कीड़ा ज़्यादा आया, तो इसलिए पहली बंधाई भी लेट करवाएं और मिट्टी चढ़ाने का ध्यान रखें। चले चलते हैं। अगर तो संदीप भाई जैसे पहले महिंद्रा चलाया, महिंद्रा से गन्ने डाल ले और इससे डाल रहे, तो कितना फर्क है, ताकत का भी फर्क है। तो दोस्तों यही है कि यही DI 35 जो है ट्रोला भी ला रहा है और यही मील में चल रहा है, काफी ऊंचाई है, गन्ने की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, नाले का पानी चल रहा है। आ गया जंजीर। सफेद घोड़ा एस्कॉर्ट 335, 32 कुंटल 82 किलो की हुई है दोस्तों, ना 30 हुए ना 35 हुए, 33 कुंटल के लगभग हो गए हैं, काफ़ी गन्ने हुए बढ़िया। चले चलते हैं, बारिश आने लग रही है हल्की हल्की।
दोस्तों मोनू भाई की पेटी खिंचवा देते हैं, जिनके पास मैं पहले राजस्थानी कटड़ा था, फिर ये आ गया था मीना, इसकी एक बार उतर के पेटी खिंचवा देते हैं। इसकी पेटी जो है ढिल्ली हो रही है और गन्ने इन्होंने ज़्यादा भर रखे हैं, करीब 22-23 कुंटल गन्ने हैं बुग्गी में। इनका लड़का अब चलाने लगा है बुग्गी, एक बार पेटी खिंचवा देते हैं। मोनू गांडे तो मुझे आज भी ज़्यादा लग रहे यार, पर भैया मुझे लग रहा किराए वालों का भी यो जी करे है, अब सारे खेत के एक ही बार भर दो है। दरअसल ये नेड़ी पेटी झोटे को मारा है, पेटी हाथ की बटी हुई होनी चाहिए, मोटी डबल। और वो दूसरा रोक रखा था ना अभी, टक्कर मार दी थी उनने। दोस्तों मोनू भाई ने कटड़ा गांव में से लिया था, दाती रवा खड़ा था, देखने में भी जी का चोर लगता था। 160 बुग्गी गन्ने उसने डाल ले, लेकिन मतलब फिर भी मोनू भाई पर हमला कर दिया। मोनू भाई देखू एक बार दिखाओ। तो दोस्तों भरोसा नहीं करना चाहिए, मोनू भाई को ऑपरेशन करवाना पड़ा कि पहले चोट लगी थी। तो मोनू भाई मतलब पहले आपने सोचा कि मतलब चोट ही लगी ऊपर ऊपर, चोट ही लगी अंदर, फिर पस बन गया उसमें, पस बन गया तो मतलब उसके सींग ने कोई ऐसा इन्फेक्शन कर दिया अंदर। तो उसने मतलब अचानक ही मारी घर पे ही, खोल रहा था मैं, क्या दांत था वो पूरा हो गया था दंतों में पूरा हो गया था, और देखने में भला लगा था, सीधा जी का चोर सा लगा था, लेकिन कमाल करा यार है। और यो कटा बढ़िया निकला, यो बढ़िया। तो यो कहाँ से लाए थे? यो इनसे लिया था, क्या है सुतरा, मंसूरपुर के धोरे, क्या गांव था, दुद्दैडी सोंटा, ना हाँ सोंटा, सराया सोंटा, सोंटे से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यो करना भला है, देखने में भी लगता है पता। लेकिन दोस्तों जो ये जी के चोर से रहते हैं ना, मुंह सबा के चलते हैं, नाटक से करते हैं, ये कभी भी मालिक पे या किसी पे भी हमला कर सकते हैं, इनका ध्यान रखें। देखो मोनू भाई का चोट लगी, तो ये बात भी एक क्लियर हुई कि कटड़ा अगर देखने में लग रहा है कि डर रहा है, डरपोक नस्ल का है, तो तब भी मार सकता है वो। तो मोनू भाई पे उसने अचानक हमला करा, तो फिर वो तो व्यापारियों को दिया होगा। तो दोस्तों मोनू भाई ने एक बात और बताई है कि जब वो टक्कर मार रहा था तो उसका जेवड़ा नहीं खुल पाया, अगर खुल जाता जान से मार देता, और फिर भी जैसे मोनू भाई को खींच लिया तो मोनू भाई की चप्पल रह गई थी, तो उसे इतना जुनून था कि चप्पल को भी चबा चबा के खा गया। तो दोस्तों उसमें पागलपन के लक्षण आया अचानक ही, और कटड़ा जो था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, दांत तिनवा कटड़ा था। हमारी वीडियो में उसका सीन जरूर होगा, गाँव में से लिया था वो, लेकिन अचानक ही तुरंत के फौरन 5-7 मिनट में इन्हें वो बेचना पड़ा। तो इन्होंने दो कटड़े इसलिए कर रखे थे, तो दोस्तों सीधा कटड़ा सीधा ही होता है, और जो ये मारने चमक भड़क वाले होते हैं, डरपोक टाइप नस्ल होती है ये, इनके अंदर नाटक भरे होते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं, इनसे बचें। दोस्तों बारिश से बचते बचाते ठीक ठाक घर में पहुंच लिए हैं, ट्रॉली खड़ी कर देते हैं, फिर मिंदर के पास चलना है खेत में फटाफट। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए।